मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्वेश्चन तुम 10 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्जाम में जैसे ही ये क्वेश्चन आया, तुमको ABCDE और F फॉर्म में लिखना है। तुमको 10 आउट ऑफ 10 लिखेगा मिलेगा इफ तुम ऐसे लिखोगे। जो F है मेरिट्स और लिमिट डीमेरिट्स, फिर मेरिट्स के 10 पॉइंट और डीमेरिट्स के 10 पॉइंट तुमसे एक्सपेक्टेड है। तुम ऐसा लिखोगे तो यू शुड गेट फुल 10 आउट ऑफ 10। राइट यस, डायरेक्ट मत लिखो। यदि 10 मार्क का है तो थोड़ा ABCD फॉर्म में सिर्फ प्री बेसिक चालू करना हमेशा अच्छा, उससे इंप्रेशन पड़ता है। राइट इट विल टेक 2 मिनट्स 3 मिनट्स, पूरा नहीं, दो दो लाइन है। देखो सबके दो दो तीन तीन लाइन है। सो यदि तुमने ABCD, सी मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं कॉलेज टॉपर हूँ, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूँ, मेरे आंसर ऐसे होते थे। मैं जो किया था वही, दिस इज व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। डायरेक्टली लिखा तो द टीचर माइट गिव यू 8 और 9। ठीक है, इफ यू राइट दिस वे टीचर को पता है यू हैव स्टडीड, इससे पता चलता है तुमने स्टडी किया ABCDF, राइट। इमरजेंसी में टाइम नहीं है, लास्ट मोमेंट है, तो तुम डायरेक्ट मेरिट्स और लिमिटेशंस डालोगे। टाइम की कमी है तो इफ यू हैव टाइम प्लीज आंसर ऐसे लिखना ABCD फॉर्म में। इसमें मैंने चार्ट नहीं डाला, याद है ना, सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ फॉर्म, कंपनी कॉपरेटिव, कॉपरेटिव प्राइवेट का जो चार्ट था वो मैंने डाला नहीं है, तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा। सो ये 10 मार्क का आएगा। कभी कभार सिर्फ 4 मार्क का मेरिट्स ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी आ सकता है। देन यू नीड नॉट राइट दिस, डायरेक्टली शुरू कर सकते हो। या एक और तरीका बताता हूँ, तुम ए मीनिंग, बी डेफिनेशन और सी मेरिट कर सकते हो। इसको शॉर्ट टर्म कर सकते हो। लॉजिक समझ में आ रहा है? यू नीड नॉट हैव ABCD। तुम पहले ए बी को स्किप करके, टाइम कम है तो ए मीनिंग ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी, बी डेफिनेशन और सी ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। नाउ इस वीडियो में मैं मेरिट्स और लिमिटेशंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नाउ पिछले वाले वीडियो में मैंने कॉपरेशन ABCDE ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो मैं अभी वापस से वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली किसमें जाऊंगा, मेरिट्स और डीमेरिट्स। अच्छा, एक और खासियत बताता हूँ। इफ यू चेकआउट इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने 30 पॉइंट्स का फीचर्स पूरा एक्सप्लेन किया था, और उसमें 3 इडियट्स का स्टोरी बताया था, जिसके दम पर तुम 30 के 30 पॉइंट्स लर्न कर सकते थे। नाउ मैंने एक आइडिया ऐसे किया है, तुम्हारा जो 30 पॉइंट्स का जो फीचर्स है, ठीक है, उसके दम पे हम मेरिट लिमिटेशन बनाएंगे। सो तुमको अलग से करने की जरूरत नहीं। सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ फर्म, कंपनी कॉपरेटिव, ये पांचों के पांचों फीचर्स की मदद से बनाए जा सकते हैं। फीचर्स के 30 पॉइंट्स बनाए, उसका सपोर्टिंग 3 इडियट स्टोरी बनाया, तुमको कोई भी कमी नहीं है, सब रेडीमेड दिया है। अभी हम क्या करेंगे, फीचर्स एक एक करके देखेंगे। कुछ जगह पे मैं एड ऑन इन्फॉर्मेशन भी देते जाऊंगा, तो तुम्हारा फीचर्स भी इस क्वेश्चन में रिवाइज हो जाएगा। मीनिंग, सो कॉपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्या है? कॉपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्विस। ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्विस। तुम प्राइवेट सेक्टर में पांच कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ फर्म, कंपनी और कोऑपरेटिव, पांच। उसमें यही एक ऑर्गेनाइजेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्विस है। नो मीनिंग डेफिनेशन मेरिट्स लिमिटेशन तो नहीं है, जस्ट एक ए बी पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मेंबरशिप। नाउ टेल मी, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने लगते हैं? 10। दो नहीं, दो पार्टनरशिप में लगते हैं, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 है। मैक्सिमम मिनिमम कितने हैं? 2। दो। बेटा पार्टनरशिप में, मैं कॉपरेटिव सोसाइटी का पूछ रहा हूँ, कितना? 10। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ कॉपरेटिव सोसाइटी इज 10, मैक्सिमम अनलिमिटेड। अब इसके दम पर तुम एक मेरिट बना सकते हो, कैसे? ओपन मेंबरशिप। इंडिया में तुम हिंदू कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ हिंदू के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल और इनवैलिड है। तुमको ओपन रखना पड़ेगा, एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन ज्वाइन। मानते हो कैथोलिक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नाम का है, महिला सहकारी भी है, बट स्टिल वन कैन ओपन द अकाउंट देयर। महिला सहकारी में आई थिंक लेडीज लोग जॉब करते हैं, बट अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है। सो ओपन मेंबरशिप मतलब एनी पर्सन ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन कैन ज्वाइन दी कोऑपरेटिव सोसाइटी। आया समझ में? और उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं रहता है ज्वाइनिंग का, जैसे तुम्हारा एडमिशन जून और जुलाई का, इधर ऐसा नहीं है। तुम कभी भी ज्वाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वॉलंटरी है, तुमको फोर्स नहीं किया जा सकता। तुमको इच्छा है मेंबर बनने की तो मेंबर बनो, नहीं इच्छा है बनने की तो मत बनो।
लेकिन जब तुमको जैसे सारस्वत बैंक है, बैंक सुना होगा सारस्वत बैंक, तो कर्जा चाहिए तो आई थिंक 1 लाख के ऊपर का कर्जा चाहिए तो फिर मेंबर बनना पड़ता है, 1 लाख के नीचे बिना मेंबरशिप के वो लोग दे देते हैं। सो फिर उसके लिए 3,000 रुपए के शेयर खरीदो, वो सब प्रोसीजर चालू होता है। मेंबरशिप बनना मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर खरीदना, नॉर्मली एक शेयर रहता है, और बिजनेस बैंक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका 3,000 रुपए का एक शेयर है। वंस यू फिल अप द फॉर्म, साइन एंड पे 3,000, तुम मेंबर बन जाते हो। तुमको एक ही शेयर मिलेगा और 3,000 ही मिलेगा, 3,000 ही तुम पे कर सकोगे, उससे ज्यादा नहीं, चाहकर भी नहीं, करेक्ट? उसका आगे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। सो वॉलंटियर एसोसिएशन कोई भी कभी भी ज्वाइन कर सकता है, उसको फोर्स नहीं होगा। लेजिस्लेशन, कौन सा कायदा लागू होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ये पूरे देश के लिए, पर हर एक स्टेट का अपना खुद का कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट होता है। महाराष्ट्र के लिए कौन सा है? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960, 1960, उसके तहत सारे के सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होते हैं विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। गुजरात का अपना अलग रहेगा, तमिलनाडु का अलग रहेगा, समझ में आ रहा है? सो दो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। अभी लेजिस्लेशन फीचर है, उसको मेरिट लिमिटेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कैपिटल, तुम क्या बोलोगे? द कैपिटल ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, ईच ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड एज अ शेयर, दोज हु बाय शेयर आर कॉल्ड एज मेंबर्स। लेकिन इसमें ड्रॉबैक बहुत सारे हैं। मेंबर के लिए ड्रॉबैक है कि वो ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए का ही, यदि मैं बात करूं बिजनेस बैंक का ही, एक शेयर ही खरीद सकता है, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा, इसका मतलब ये होता है कोई आदमी ने रिलायंस में 30 लाख रुपए भी डाल सकता है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपर सर्किट कितना है? 3,000। मतलब कैपिटल ज्यादा जमा होगा कि कम जमा होगा? लिमिटेड जमा होगा, क्योंकि एक आदमी को लिमिट है, मैक्सिमम में भी लिमिटेड। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है कि कैपिटल लिमिटेड है। अब 3,000 के लिए, अच्छा डिविडेंड जो मिलता है, तुमने जब पैसा लगाया कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो रिटर्न्स में कुछ मिलेगा तुमको, जैसे बैंक में इंटरेस्ट मिलता है। तो तुमने जो 3,000 मुझे दिया, मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ, तो मैं तुमको रिटर्न्स में भी सर्किट ऐप पर 15%, मतलब 450 रुपए के ऊपर डिविडेंड मिलना नहीं है। तो तुम कितना भी दिमाग लगा लो, साल में 450 रुपए के ऊपर तुमको डिविडेंड नहीं मिलना है, समझ में आ रहा है? इसलिए तो लोग पैसा लगाते नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैपिटल लिमिटेड रहता है, कैपिटल लिमिटेड तो साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड रहता है। अब रिलायंस का ले लो, रिलायंस डिजिटल पहले सिटी सेंटर में था, कॉलेज रोड में एक है, तुम पाथर्डी फाटा से अंदर एक शॉर्टकट जाता है ना नासिक रोड के लिए, वहां पे मिल जाएगा, नासिक रोड में मिल जाएगा, पवन नगर साइड भी, मतलब 10-15। ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट, पैसा इतना ज्यादा है धड़ाधड़। तुम बिजनेस बैंक देखो, नासिक में 2-3 है और बहुत साल हो गए उनको, कम से कम 20 साल हो गए, 20 से 30 साल हो गए, जहां तक मेरा नॉलेज है 25 ईयर से मैं जानता हूँ। क्यों लिमिटेड है? लोग पैसा लिमिटेड लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव इज सर्विस, एक्सपांड करके भी लिमिटेड तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं कि तुमको 10-15 बैंक मिल जाएंगे, करेक्ट? सो कैपिटल लिमिटेड है, जिसकी वजह से साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड रहता है। नेक्स्ट, लीगल स्टेटस। नाउ तुमने 3,000 रुपए का शेयर खरीदा, तुम क्या बन गए? मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर होल्डर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मेंबर, मराठी में सभासद बोलते हैं। नाउ यदि सपोजिटली बिजनेस बैंक में केस हुआ, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो बिजनेस बैंक के जो मेंबर्स है क्या उन पर केस होगा? द आंसर इज नो। क्यों? कायदा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एग्जांपल बिजनेस बैंक, और जो उसके जो मेंबर्स है उसको अलग मानता है। सो बिजनेस बैंक पर केस हुआ तो मेंबर्स सेफ है, उन पर कोई केस नहीं होता, क्यों? सेपरेट लीगल स्टेटस है। तो डू यू एग्री, एक एडवांटेज है। लीगल स्टेटस यदि अलग मिलता है, तो तुमने 3,000 रुपये डाला, किसी ने बिजनेस बैंक पर 5 करोड़ का केस कर दिया, तुम्हारा, तुमको कोई लायबिलिटी भी नहीं है, तुम पर केस होता नहीं, तुम सेफ हो, करेक्ट? तो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो। सिक्स्थ पॉइंट क्या देखते हैं? फॉर्मेशन। नाउ कंपनी का फॉर्मेशन कॉस्टली, कॉम्प्लिकेटेड, टाइम कंज्यूमिंग, डिफिकल्ट, ये सब है, बहुत लाखों का खर्चा आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू कंपनी काफी इजी है। तुमको रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जाके जो अपना डीड बनाया हुआ है वो सबमिट करने का रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। मैनेजिंग कमेटी का सब डिटेल्स देना पड़ेगा, जो चलाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कंपनी को जो चलाते हैं उनको क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
कॉपरेटिव सोसाइटी को जो चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैनेजिंग कमेटी। ये सब डिटेल दो और तुमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो फॉर्मेशन काफी इजी है, 10 लोग मिनिमम मिलकर फॉर्म कर सकते हैं कॉपरेटिव सोसाइटी। सेवेंथ, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कॉपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तुमको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। किसके पास जाओगे? रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी। वो क्या देगा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो कौन है? एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट। कौन करता है मैनेजमेंट? मैनेजिंग कमिटी। उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? मेंबर्स। कहां पे? एक सर्वसाधारण सभा बोलते हैं, एनुअल मीटिंग होता है ना ऑफ मेंबर्स, साल में नॉर्मली एक बार होता है, कभी भी बुला सकते हैं, लेकिन साल में एक बार जो होता है सर्वसाधारण सभा, उसमें अपॉइंट करते हैं। सो डू यू एग्री? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। सो कमिटी जो मेंबर्स है वो लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे बिल्डिंग में 2 बिल्डिंग्स है, वहां पे 170 है फैमिलीज रहते हैं, सब हायर एस बिल्डिंग। तो हम लोगों ने अपॉइंट किया मैनेजिंग कमिटी को कि तुम चलाओ, डे टू डे मैनेजमेंट का तुम देखो, और फिर वो लोग आपस में एक को हेड को अपॉइंट करते हैं जो चेयरमैन। सो मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक है, और फिर तुम चेंज भी कर सकते हो, कोई रिजाइन भी करता है तो चालू रहता है उसमें कब ज्यादा। लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसा है, अभी कॉपरेटिव सोसाइटी ले लो, तुमको फ्रेश आईआईएम जमींदाबाद का एमबीए, उसको कंपनी सैलरी कितना देगी? 40-50 लाख करोड़ रुपए तो मिल ही जाता है। अब कॉपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सेवा। तुम ऐसे कॉपरेटिव सोसाइटी के बैंक में चले जाओगे, उनके एम्प्लॉयज देखोगे, उनके एम्प्लॉयज का पगार 15-20 हजार होगा नॉर्मल, उससे ज्यादा नहीं होगा। वही एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक में चांसेस ऑफ द सैलरी भी 70-80,000 होने का चांस मिनिमम रहता है। सो एक आदमी कॉपरेटिव बैंक में जॉब ज्वाइन करेगा क्या? एचडीएफसी ऐसी जगह पे, एचडीएफसी तो उनको वो से टैलेंटेड लोग मिलते नहीं है, हाईली ट्रेन्ड लोग, और मिले तो भी कोई आना नहीं चाहता। सबसे बड़ा कारण सैलरी की कमी। 15-20-30 हजार के ऊपर बहुत मुश्किल है कॉपरेटिव सोसाइटी में एम्प्लॉइज को पगार। वही बैंक्स 80-80 हजार, लाख लाख, 1.5-1.5 लाख रुपए देती है अच्छे एक्सपीरियंस इंसान को। कॉपरेटिव, उनका ऑब्जेक्टिव सर्विस है तो वो उतना दे ही नहीं पाती, तो उनको वैसे कंपिटेंट लोग नहीं मिलते, बहुत कम। एम कॉम बी कॉम ऐसे लोग लग जाते हैं, ज्यादातर तो उनको बैंकिंग के एग्जाम नहीं दिए हुए, ऐसे नॉर्मल तौर पर आ जाते हैं। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम होता है। प्रॉफिट और लॉस। अभी इसमें तुमने, मैंने जैसे बताया, तुमने कॉपरेटिव सोसाइटी को पैसा दिया, शेयर कैपिटल का पैसा जमा हुआ, उस पैसे से कॉपरेट, सी ऑब्जेक्टिव इज सर्विस बट इट डज नॉट मीन कि वो प्रॉफिट नहीं कर सकता। वो प्रॉफिट करता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तुमको रिटर्न्स में क्या दिया जाएगा? डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड का अपर सर्किट क्या है, कितना टक्का है? 15%, उससे ज्यादा दे नहीं सकते, तो लोग इंटरेस्ट ही लेते नहीं है कॉपरेटिव सोसाइटी में। एक तो लिमिट 3,000 का, उसमें भी 15% सर्किट, ये तुम्हारा एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 बैंक्स पे लागू होता है, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1912 लागू होता है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 लागू होता है। ये लोग 15% के ऊपर सर्किट है, मतलब तुम चाहकर भी, एडवांटेज ये है कि प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पर बांटा जाता है, तुम उसमें डिसएडवांटेज डाल सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा 15% मिलता है डिविडेंड, इसलिए लोग बहुत कम पैसे लगाते हैं। डिसीजन मेकिंग फास्ट है क्या स्लो है? बहुत ज्यादा स्लो, क्योंकि मैनेजिंग कमिटी जो रहता है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो अभी एक सोलर पैनल जो लगाते हैं बिल्डिंग के टेरेस में, पता है ना, मैं तुमको उसका वर्किंग बताता हूँ कैसे रहता है। तुमने ये सोलर पैनल लगाया, 40 लाख रुपए का खर्चा आता है सोलर पैनल लगाने। अच्छा, सोलर पैनल से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। अभी हमारा मंथली बिल 2.5 लाख रुपए आता है इलेक्ट्रिसिटी का, 2.5 से 3 लाख, आई थिंक 2.5 लाख आता है, जब मुझे भी चेक करना पड़ेगा। तो जब सोलर पैनल बैठ जाएगा तो वही जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा ना सोलर से, वो एमएसईबी को बेचेंगे। ठीक है, अभी सपोजिटली हमारा 10,000 यूनिट्स आता है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो एमएसईबी को बेचा हमने और एमएसईबी ने 6,000 यूनिट्स इस्तेमाल किया, तो जो हमारा 10,000 यूनिट्स का कंजम्पशन है एमएसईबी से जो आता है, -6,000 हो जाएगा। मतलब मेरे को 2.5 लाख का बिल आ रहा है,
मेरा सोलर से जनरेट हो रहा है 1 लाख रुपए का, वो एमएससी भी ले रहा है मेरे से खरीद रहा है, तो मेरा बिल 2.5 लाख माइनस 1 लाख हो जाएगा ना। 1 लाख का सेविंग है महीने का, और हमारा 1 साल से कोटेशन पे कोटेशन, डिले पे डिले, जबकि एक वो दिन मैंने ग्रुप में डाला 1 लाख का घाटा कर रहे हैं हम लोग डिले की वजह से, और 10 से 15 कमेटी, एक जन एक आधे लोग एक साइड सोचेंगे, दूसरे आधे लोग दूसरे साइड सोचेंगे, डिले बस डिले, फिर जब फाइनलाइज होगा फिर डिले। अच्छा 33 लाख में हो रहा था, फिर डिले डिले वापिस से 38 लाख का अभी मैं रेट बढ़ गया, अभी वापिस डिस्कशन, अभी शायद हो जाएगा ये महीने, लेकिन पिछले 6 महीने से हो जाना चाहिए था, तो हमने कितना घाटा किया, 6 लाख, क्यों डिले इन डिसीजन मेकिंग। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि ग्रुप्स रहते हैं, कमिटी मेंबर्स रहते हैं, उसमें आपस के मतभेद, पॉलिटिक्स, ये सब लागू हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, तुमको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रहा, सोलर का पैनल पे फ्लेक्सिबिलिटी होता तो कब का लग गया होता, तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी डिसीजन मैनेजिंग कमिटी के बिना ले नहीं सकते, तुमको मैनेजिंग कमिटी का मीटिंग बुलाना पड़ेगा, उसका एजेंडा बनाना पड़ेगा, मीटिंग का एजेंडा मतलब क्या डिस्कस करना है, उसका लिखित फॉर्म तैयार करना पड़ेगा, क्या फैसला लिया गया मिनट्स, फिर चेक में सिग्नेटरीज होंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, झगड़े आपस में, पॉलिटिक्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ग्रुपिज्म, ये सब बहुत रहता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन, सी गवर्नमेंट रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव सर्विस है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज घुसेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज बताने के लिए हम सेवा करते हैं, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहता है। सो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल इसलिए जरूरी हो गया है, क्योंकि बहुत सारा ब्लैक का व्हाइट भी बोलते हैं ना, वो भी इल्जाम लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है और स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए। अब नासिक में झूलेलाल बैंक है, बंद हुआ शुरू हुआ, जलाराम बैंक बंद हुआ शुरू हुआ, पीपल्स बैंक में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ सीधा बंद हो गया, उसको शुरू ही नहीं कर पाए, लास्ट में सारस्वत बैंक के साथ मर्ज कर दिया, इतने फ्रॉड निकले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अच्छा अपने लोग को कर्जा लिया उसने डुबा दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा कर्जा लिया, पीपल्स बैंक के साथ हुआ। अच्छा जलाराम बैंक बंद होकर शुरू हुआ, झूलेलाल बैंक, ये इतने साल से चल रहा है, अभी अभी आरबीआई इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, इतना आसानी से लाइसेंस देता नहीं, और ऑडिट, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी डरते हैं क्योंकि आरबीआई को पता चला गड़बड़ी हुआ सीधा ट्रांजेक्शन बंद करवा देता है, और जरा सा काम खराब हुआ तो लोग क्या करते हैं, भाग के विड्रॉल की कोशिश करते हैं। सो गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत ज्यादा टाइट है, डिसएडवांटेज, लेकिन देखा जाए तो एडवांटेज भी जरूर, बट डिसएडवांटेज ऐसा है जब बैंक बंद हो जाता है तो आरबीआई लिमिट डालता है कि एक आदमी दिन में 10,000 ही विड्रॉ कर सकता है, तुम्हारा 10 लाख रुपए है, तुम 10,000 के ऊपर विड्रॉ नहीं कर पाओगे, फिर बैठे रहो और लाइन 2-2 घंटे खड़े रहो, क्योंकि सब लोग आते हैं विड्रॉ करने, ऐसा बहुत पीपल्स बैंक में तो बहुत ट्रेजेडीज हुए। लायबिलिटी, तुमने 3,000 रुपए डाल दिया, कॉपरेटिव सोसाइटी को घाटा हुआ, पीपल्स बैंक बंद हो गया, उसको सपोजिटली कर्जा बहुत सारा देना था, तो मेंबर को जेब से लाना पड़ा, द आंसर इज नो, क्यों, तुमने 3,000 रुपए का एक शेयर खरीदा पूरा दे दिया, कॉपरेटिव सोसाइटी घाटा भी करता है, तुमको अपनी जेब से लाने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारा लायबिलिटी जो कॉपरेटिव सोसाइटी की तरफ कितना है, एक शेयर का जो कीमत है 3,000, वो लोग पार्ट्स में नहीं लेते, पूरा एक साथ देना पड़ेगा, तो मोमेंट तुमने पूरा दे दिया, ज्यादा से ज्यादा पीपल्स बैंक के जो मेंबर है जब बंद हो गया उनका ज्यादा सारा कितना गया होगा, 3,000 रुपया, उससे ज्यादा तो नहीं, सो तुम्हारा लायबिलिटी लिमिटेड है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब कॉपरेटिव सोसाइटी में फ्रॉड भी होता है, बंद भी हो जाता है, कर्ज भी हो जाता है, लॉस भी होता है, तुमको पर्सनली तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं, ठीक है ना, मानते हैं कमिटी ये सब जवाबदार रहते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा कैपिटल जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऑडिट कंपलसरी है, ठीक है ना, हमारे एक रिलेटिव है जो आई थिंक जहां तक मुझे बताया गया एशिया के सबसे बड़ी बिल्डिंग मुंबई में है, तो उसका ऑडिट वो लोग करते हैं, तो ये लोग का एक ग्रुप है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, जाके कीमत भी और फ्लैट के हिसाब से लेते हैं, इतना हैवी काम रहता है ना वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसका अकाउंट्स मेंटेन करो, तुमको सब मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि कई बार देखा गया फ्रॉड्स बहुत होता है, सो उसका ऑडिट गवर्नमेंट ने क्या कंपलसरी कर दिया, एडवांटेज बोल सकते हैं मेंबर्स के लिए कि ऑडिट हुआ तो रिपोर्ट करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि बराबर किया है कि नहीं ऑडिट, टैक्सेस कंपनी के कंपेरिजन में लो है, कंपनी का टैक्सेस रेट क्या है, फ्लैट 30%, कोऑपरेटिव का 10,000 तक 10%, 10 से 20,000 तक 20%, 20,000 के ऊपर 30%, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैपिटल लिमिटेड, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड, तो प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा, टैक्स कम भी हो के फायदा क्या, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग का प्रॉफिट का एक अपर सर्किट रहेगा,
सो लो टैक्सेस एडवांटेज है कंपनी के कंपैरिजन में। कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट का इनफैक्ट कंफ्लिक्ट तो इतना ज्यादा है कि झगड़े मारामारी तक हो जाते हैं, क्योंकि ऑपोजिंग ग्रुप्स रहते हैं मैनेजिंग कमेटी में भी, जनरल मेंबर्स में भी ग्रुप्स रहते हैं। सो इसलिए मैं दूर रहता हूं, मुझे बोला आने मिला नहीं भाई, क्योंकि ग्रुपिज्म हो जाता है, तुम या तो इस पार हो नहीं तो इस पार हो, इस पार हो तो इस वाले तुम्हारे खुन्नस खाएंगे, ये होता ही है। मैनेजिंग कमेटी में सबके सब यूनाइटेड रहना बहुत मुश्किल है, दो से तीन ग्रुप्स बनते हैं और चेयरमैन जिस ग्रुप का है वो हावी होता है, फिर ऑपोजिंग साइड वाले चेयरमैन अपने ग्रुप में से बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक कंफ्लिक्ट तुमको मिलना ही है। तुम कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी लो, मैनेजिंग कमेटी और जनरल मेंबर्स में कंफ्लिक्ट्स काफी होते हैं। 17, सीक्रेसी, सीक्रेसी रहता नहीं है, इनको अकाउंट छाप के रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है, वो पब्लिक को पता चलता है, बट इनके शेयर्स शेयर बाजार में नहीं होते, जैसे शेयर बाजार में कंपनी के शेयर्स बिकते हैं ना, इनके नहीं बिकते हैं, बट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक और वेबसाइट में तुमको मिल जाएगा कि बिजनेस बैंक को कितना डिपॉजिट मिला, कितना कर्जा दिया, कितना कमाया, ये सब पब्लिक डोमेन में रिकॉर्ड्स रहते हैं। डे टू डे अकाउंटिंग नहीं रहेगा, बट फाइनल अकाउंट जो तुम सीख रहे हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, वो पब्लिक डोमेन में रहता है, तो सीक्रेसी तुम्हारा नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? सर्विस है, इट इज नॉट प्रॉफिट, बट इट कैन हैव प्रॉफिट, बट बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? सेवा देना, सर्विस, वो फीचर है, उसको मेरिट लिमिटेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है क्या लो है? रिलायंस का ले लो, सपोजिटली 6 लाख करोड़ का टर्नओवर है, महीने का कितना होगा? 50,000 करोड़। दिन का कितना होगा? 1,500 करोड़, मतलब दिन का कॉस्ट आधा तो पकड़ लो, 750 करोड़। कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो इतना कैपिटल रहता ही नहीं है, तो कहां से होगा? उनका तो गिना चुने रहता है, सो ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी लो बिकॉज कैपिटल इज लिमिटेड। सो यहाँ पे एडवांटेज है किस चीज का? लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। कंपनी का वही डिसएडवांटेज है, उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क, क्या काम का बंटवारा कर सकते हैं? हमारे इसमें जो मैनेजिंग कमिटी में एक बहुत बढ़िया है, उसको अकाउंट्स का देखने को बोला है, इज अ वेल ट्रेन्ड इन अकाउंट्स, तो ऐसा बराबर बंटवारा हो जाता है, कोई मार्केटिंग का है तो वो मार्केटिंग देखेगा, फिनेंस का, तो ग्रुप अपना काम बांट लेते हैं, परचेज सेल बराबर बंट जाता है स्किल के हिसाब से। सो डिवीजन ऑफ वर्क बहुत बड़ा एडवांटेज है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मैनेजिंग कमिटी के जो लोग हैं अपने स्किल के हिसाब से काम बांट लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस एक कण नहीं रहेगा, क्यों? ऑब्जेक्टिव इज सर्विस, क्वालिटी, यदि सपोजिटली अपना बाजार है, इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, तुमको बोला जाए कि एक अपना बाजार है कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक डीमार्ट है, 99% यंगस्टर्स डीमार्ट में जाएंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में लग्जरी गुड्स नहीं मिलना है, सस्ते में गुड्स मिलना है, क्वालिटी उसका नॉर्मली नॉर्मल होगा या लो होगा, हाई तो नहीं होगा, तो यंगस्टर्स में तो कॉर्पोरेट, इनफैक्ट कॉलेज रोड में था एक अपना बाजार, एनबीटी लॉ कॉलेज के सामने, बंद हो गया, कौन जाने वाला है? इतना अच्छा मेट्रो, बिग बाजार, तुम्हारा बिग बाजार तो बंद हो गया, रिलायंस स्मार्ट, फिर डीमार्ट, स्टार बाजार, एक एक जो खुले हैं उस, और ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट के सामने क्या टिकेगा? सो अपना बाजार ये बंद हो गया था। कंटिन्यूटी, जैसे मैंने बताया था परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं, यदि 7 मेंबर, 10 मेंबर्स है, 10 के दोस्त लोग प्लेन में जा रहे हैं, प्लेन क्रैश हो गया, सबके सब एक्सपायर हुए, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद होगा? द आंसर इज नो। मैंने बताया था शेयर्स, यदि एक आदमी की डेथ हो गई तो शेयर उसके वाइफ के नाम पर चले जाएंगे, इसको टेक्निकली ट्रांसमिशन ऑफ शेयर बोलते हैं, तो जब तक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने खर्चे निकाल रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है, तो वो चालू रहेगा। बिजनेस बैंक लाइव एग्जाम्पल है, 20-25 साल से चल रहा है, सारस्वत बैंक काफी साल से चल रहा है, आने जनता चल रहा है, रूपी बैंक है ना, बहुत सारे, जलगांव बैंक, बहुत सारे हैं जो इतने साल से सरवाइव कर रहे हैं, और कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूटी, परपेचुअल सक्सेशन, जब तक तो प्रॉफिट है तब तक चालू है, स्टेबिलिटी मानते हैं, इनको स्टेबिलिटी भी अच्छा खासा है, क्योंकि मेंबर्स आते हैं जाते हैं, एम्प्लॉय आते हैं जाते हैं, बट इनका काम चालू रहता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में गरीब लोग भी काफी इन्वॉल्व रहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी इनको थोड़ा बहुत चालू रहता है मिलना, तो बिकॉज इफ यू चेक आउट इंडिया का पॉपुलेशन में गरीब लोग का
प्रोपोर्शन ज्यादा है या काफी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो लोग काफी इन्वॉल्व होते हैं, तो स्टेबिलिटी भी काफी मिलता है इनको। डायरेक्ट मोटिवेशन कैसे रहेगा, कमिटी मेंबर जो हमारे इधर जो है मैनेजिंग कमिटी, उनको तो पगार ही नहीं है, तो वो लोग मीटिंग भी करेंगे, फायदा भी होगा कोऑपरेटिव। सपोजिटली मेरा एक थिंकिंग है, 1,00,000 रुपया महीने का सेव होता है क्योंकि हम सोलर एमएससीबी को बेचे। सिर्फ मेरा एक बोलना था, यदि कमिटी मेंबर जो भी हो उसका घर का होता ना, घर का 1,00,000 रुपए का सेविंग हुआ रहता तो ये 6 महीने नहीं, जैसी मीटिंग हुआ उसके पहले महीने में हो गया होता, घर का होता। सीधा हिसाब है ना, तुम्हारा पर्सनल फैमिली का बचत हो रहा है, कमिटी का है, बिल्डिंग का है, चलता है करके। सो मोटिवेशन किसको नहीं रहता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। सपोजिटली हर एक कमिटी मेंबर का सेविंग होता है घर का, तो 100% ये हो चुका होता, अननेसेसरली डिले, एक दूसरे को रोकना, ये सब नहीं हुआ रहता। तो डायरेक्ट मोटिवेशन रहता ही नहीं है क्योंकि तुमको पगार नहीं है, जो भी जाएगा बिल्डिंग का जाएगा, ठीक है ना, तुम्हारा तो कुछ जाने वाला नहीं है। टेक्निकली बिल्डिंग के कोऑपरेटिव सोसाइटी को हाउसिंग कोऑपरेटिव बोलते हैं, हालांकि हमारा अपार्टमेंट है, तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है। मैं बताऊंगा बिल्डिंग हाउसिंग टाइप्स में, बिल्डिंग हाउसिंग कोऑपरेटिव या अपार्टमेंट तुम फॉर्म कर सकते हो। तो बिकॉज वो अपार्टमेंट का जा रहा है तो चलते जा रहा है, पर्सनल होता तो आपका क्या हो गया होता। सो मोटिवेशन किसी को नहीं देता है, इंटेंसिटी का कम दिखता है। फिर एक और प्रॉब्लम उसमें चल रहा है मोटिवेशन में, जो पार्किंग है ना, स्टैक पार्किंग, पता ना, एक के ऊपर एक। अभी झगड़े चल रहे कि ऊपर का पार्किंग का खर्चा कौन करेगा, कुछ मेंबर्स बोल रहे हैं सिर्फ ऊपर वाले, बाकी लोग जिसमें मैं भी शामिल हूँ थिंकिंग है कि सब लोग का, बिकॉज वो बिल्डिंग का प्रॉपर्टी है तो बिल्डिंग वालों ने बेयर करना चाहिए। और इसमें एक साल से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन झगड़े चल रहे हैं और वो सॉर्ट आउट ही नहीं हुआ है 1.5 साल से, खर्चा करेगा कौन। तो कॉन्ट्रैक्ट वो जो आता है ना, कैसे रहता है, नीचे की गाड़ी और ऊपर गाड़ी रहता है, उसके लिए तुमको दो अटेंडेंट लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, एनुअल रिन्यूअल लगता है, वो 60,000 का बिल है, 60 से 80,000 रुपए, करेगा कौन है 80,000। कुछ लोग बोलते हैं ऊपर वाले, जिनका है ऊपर का वही करेंगे, मतलब साल का 10,00,000 रुपए का खर्चा, 80,000 × 12 पकड़ लो ना, तो खर्चा करेगा कौन। तो इसमें झगड़े और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जबकि क्लियर कट है वो स्टैक पार्किंग ऊपर हो या नीचे हो सब बिल्डिंग वालों का है ना, ऐसा थोड़ी है। तो कुछ लोग उसमें रोके हुए और कुछ लोग का अपोजिंग व्यूज है। तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या होता है कि ज्यादा प्रोडक्शन किया, मारुति 4,000 कार दिन में बनाता है, मैंने एग्जांपल लिया भी है, महिंद्रा 700 बनाता है, तो सस्ता किसको पड़ता है, कॉपरेटिव मारुति को, कॉपरेटिव सोसाइटी का कैपिटल लिमिटेड, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड, उसको क्या इकोनॉमिक ऑफ स्केल मिलता है। तो इसलिए इकोनॉमिक ऑफ स्केल कॉपरेटिव सोसाइटी को नहीं मिलता क्योंकि उसका साइज ऑफ कैपिटल और साइज ऑफ बिजनेस बहुत लिमिटेड। नेक्स्ट, रिस्क। लिमिटेड कैपिटल मींस लिमिटेड साइज ऑफ बिजनेस मींस लिमिटेड रिस्क, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है। अच्छा, मारुति जैसी कंपनी एक दिन भी बंद रही, जैसे बीच में क्रॉम्पटन ग्रीव्स में स्ट्राइक था नासिक में, 85 करोड़ का घाटा एवरीडे 85 करोड़ का घाटा, मतलब सोचो कितना। बंद रहेगा तो मशीन का डेप्रिसिएशन रुकता नहीं है, इंश्योरेंस रुकता नहीं है, मानते स्ट्राइक हुआ तो तुम पगार बंद रखोगे, लेकिन बाकी खर्चे, अभी तुम्हारा जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस, इंश्योरेंस, ये सब लागू होते हैं। तुमने भाड़े पे एरोप्लेन लिया, बीच में इंडिगो के कुछ लोग स्ट्राइक में चले गए थे ना, इंडिगो के कुछ स्टाफ एक दिन कॉमन एब्सेंटी कर दिया था, उनको पगार बढ़ा के चाहिए था, तो एक दिन का रेंट थोड़ी रोकेगा, भाड़े पे जो प्लेन लिए इन लोगों ने, टेक्निकल भाषा में उसको लीज बोलते हैं। सो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट करोड़ों में रहता है, लेकिन फिर भी जो रिस्क है इधर काफी कम रहता है। तो तुम मेरिट पे डाल सकते हो लो रिस्क और सुटेबल, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने डाला है, सुटेबल फॉर वीकर क्लास। क्यों? क्योंकि गरीब लोग को सस्ते में गुड मिल जाता है, वो लोग काफी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पर्सनल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स कैसे रहेगा, हजारों लाखों मेंबर्स, उसमें से कमिटी मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। नॉर्मली एम्प्लॉयज भी कई बार, मेरे को कॉपरेटिव सोसाइटी में थोड़ा इरिटेशन आता है कि दे डोंट कॉपरेट मच, कॉपरेटिव सोसाइटी में थोड़ा कॉपरेशन का प्रॉब्लम आता है। सो पर्सनल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स रहता नहीं है, और वो लोग ट्रेंड भी रहते नहीं है, सिर्फ बीकॉम एमकॉम, सो नॉलेज भी कमी, कुछ भी पूछा तो बोलते फोन करके बताते हैं, जरा सा डाउट्स पूछा तो ये प्रॉब्लम है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी
ये जो है ना, ये ज्यादा पॉइंट अच्छा है, सुटेबल फॉर वीकर क्लास, ठीक है ना, सोसाइटी में वीकर क्लास, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि पॉलिटिक्स वाले एंटर कर जाते हैं, क्योंकि द मोमेंट तुमने दिखाया कि तुम लोक सेवा का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉलिटिक्स वाले तो एंटर करेंगे, और पॉलिटिक्स वाले एंटर हो गए तो फिर सब चीज में डिले होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ लोग भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, कर्जे में प्रॉब्लम्स होती है, सो ऐसा बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम दिखा। वोटिंग राइट्स, इसमें भी तुम डिसएडवांटेज डाल सकते हो, कैसे, 1 person 1 vote है, एक आदमी को एक ही वोट मिलता है, जबकि कंपनी में 1 share 1 vote, तुम्हारे पास 100 share है तो तुमको कितने वोट मिलेंगे, 100, इधर जो इलेक्शन में होता है ना, एक वोट, सिर्फ एक वोट मिलेगा, डिसएडवांटेज है वोटिंग राइट्स। तो इस प्रकार से ये पॉइंट था 30। कैसे लगा मेरिट लिमिटेशन, सबको इजी हो गया? अभी एक बार पहले फीचर लिखो और उसके दम पे मेरिट्स डिमेरिट्स निकाल के बताओ, देखो कितना याद है तुमको, ये क्वेश्चन इधर खत्म होता है।